नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल में भर्ती आई है। सैनिक स्कूल क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारतीय रक्षा विभाग के द्वारा इसे चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। इसमें बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और इसका जो एजुकेशन होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे दुनिया में कभी बेरोजगार नहीं हो सकते, क्योंकि इनको शुरू से ही उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें, एजुकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, स्किल की बात करें, हर तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग बेहद ही बेहतरीन ढंग से दिया जाता है। अब इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपके बच्चों के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व रहेंगे। दो बच्चे आपके फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आर्मी की जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा जॉब है। ये बार बार नहीं आता, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो आपका नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ मिलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ITI लेवल का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने का ये पावरफुल अगर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में जो भी ITI की बहाली आती है, इंक्लूडिंग ये सैनिक स्कूल से लेकर किसी भी तरह का ITI का अगर सरकारी नौकरी आता है, तो आप उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास कीजिए, हर महीने बहाली आता है, बहाली की कमी नहीं है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आप 2,000-2,500 रुपए बचाने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, 35,000-30,000 रुपए लगाकर ITI करते हैं और सर्टिफिकेट का कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, पढ़ते नहीं है, तैयारी नहीं करते हैं। मेरे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको इतना योग्य बना दूंगा कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप सेटल जरूर हो जाइएगा। तो आइए मेरे साथ जुड़कर 1 अगस्त वाले बैच को आप ज्वाइन करें और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या और सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये इस बहाली के बारे में। इसमें टोटल ITI के लिए 14 सीट है, ठीक है, 14 सीटों पर यह बहाली है। लेकिन सीटों की संख्या आप नहीं देखें, क्योंकि आपको 1 सीट चाहिए। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आपका नौकरी डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे कोचिंग का एक लड़का आर्मी में, इसी सैनिक स्कूल में नहीं है लेकिन आर्मी में ITI के थ्रू ज्वाइन किया है। लखनऊ मेट्रो में इजी वे का स्टूडेंट टॉप किया है, 2 पोजीशन पाए, 11वें पोजीशन पाए। तो जो पढ़ेगा उस सच में ये सच्चाई है, जो मेहनत करेगा और मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करेगा तो 100% सफलता मिलेगा। मेहनत करने से नहीं होता है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट मेहनत करने से होता है। तो आइए आपको हम स्मार्ट वर्क कराएंगे मेरे कोचिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे बहुत तरह की बहाली है। पहला यहां पर देखेंगे तो सोशल साइंस के लिए, जो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर आते हैं। यहां पर दूसरे नंबर पर जो बहाली है वो मैथमेटिक्स टीचर के लिए, जो हमारे लिए ये भी नहीं है। तीसरे नंबर पाएंगे तो तीसरे नंबर पे यहां पे लोअर डिविजनल कलर की बहाली है और इसमें 10वीं पास है और जिसको इंग्लिश टाइपिंग आती है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ITI के बच्चे जो शॉर्ट हैंड का कोर्स करते हैं इंग्लिश में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं जिस बहाली के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो आपके सामने है 4थे नंबर पे। जनरल इंप्लॉय MTS रेगुलर, ये रेगुलर पोस्ट है जिसमें 6 बहाली बताया गया है 4थे नंबर पे। और इसमें बोला है क्वालिफिकेशन में कि मैट्रिक पास होना चाहिए या ITI होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ITI रहेंगे तो यहां पे प्रिफरेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस की बात करें तो गार्डनिंग, जो माली होते हैं ना गार्डनिंग करने वाले, फूल पत्ती को लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। किसी तरह स्पोर्ट का एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफिस वर्क के लिए जो ड्यूटीज होती है उसके बारे में एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। मैसेंजर का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। ग्रूमर है, हेयर कटिंग है, मेसन है, कुकिंग है, मतलब किसी तरह का मल्टी जो टास्किंग स्टाफ होते हैं ना, MTS का एक्सपीरियंस कहीं से है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कहीं से जुगाड़ ला के बना सकते हैं। और आपको ये आना चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस हो उसके रिगार्डिंग आपका काम आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पैसा आपको कितना मिलेगा, ठीक है।
तो पैसे की बात करें तो स्टार्टिंग आपका 18,000 से लेकर 56,900 है। मतलब यह है कि अगर आपका जॉब स्टार्ट होगा तो 25 से 30 हजार रुपए मिलने वाले हैं और मैक्सिमम जो पैसे है 56,900 मिलेगा। और साथ ही साथ आर्मी की सारे सर्विसेज फ्री मिलेगा जो आगे हम बताने वाले हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज तो ठीक है 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल, लेकिन अब 50 साल वाले अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, तो दोनों करके दिखाएंगे उसी का नौकरी मिलेगा। तो शायद 30 के बाद लोग पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो लोग शायद भरने के बाद में उनको जॉब ना मिले, लेकिन जो बच्चे अभी रेगुलर पढ़ाई कर स्टडी कर रहे हैं उनको तो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर पर। ये भी जनरल एम्प्लॉई एमटीएस का है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसमें 8 वैकेंसी है। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन सेम काम है और आपकी जो सैलरी होगा 21,600 रुपए, 21,060 रुपए मिलेंगे। इनका भी एज वही है 18 से 50 साल, 21,060 है। इसके अलावा भी बहुत सारा टीएडी वगैरह मिलता है, तो कुल मिलाकर इनका भी 25 से 30 हजार बनने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है पे क्या होने वाला है, तो ये सब के बारे में बताया कि जो टीएडी एनपीएस ग्रेच्युटी एलटीएस रेंट फी बहुत तमाम तरह की चीजें होती हैं सैनिक स्कूल में या आर्मी में, वो सारा मिलेगा आपको जो रेगुलर वैकेंसी में है। ठीक है, और बोला है कि 2 बच्चों को आपको सैनिक स्कूल में पढ़ने का मिलेगा सब्सिडी फी पे, मतलब बहुत कम फी पे 2 बच्चे आपके 2 बच्चों को अलाउ किया जाएगा पढ़ने के लिए। सैनिक स्कूल में जाने के लिए बहुत सारा एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना, 5वीं के बाद भी एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा बहुत ही कम पैसे पे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर अप्लाई कैसे होगा इसके लिए मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है आईटी इंस्टीट्यूट्स। इस चैनल पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को फॉर्म भर के बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण चैनल है, और इस पर फालतू की वीडियो एक भी नहीं आता है। केवल और केवल फॉर्म भरने के बारे में हम लोग बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, डेट के बारे में बताते हैं कैसे कैसे होगा। तो ये वेबसाइट अगर आप अपने से भर सकते हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर भर लीजिएगा, नहीं तो ITI Institute.com पे ITI Institute चैनल पे यूट्यूब चैनल पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें फी की बात करें, फॉर्म अप्लाई करने के लिए फी कितना लगेगा, तो जनरल का जो फी है 500 है, और यहां पे नेक्स्ट है जनरल कैटेगरी एंड 250 रुपए SC ST के लिए है। ठीक है, तो आपको फी लगेगा जनरल से 500, ओबीसी जनरल का 500 और SC ST का 250 रुपए लगेंगे। इसके बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको टेस्ट होंगे, पहला तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट का मतलब यह कि जो एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे वहां पे उसके बारे में थोड़ा बहुत टेस्ट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुकिंग का दिखाएं तो खाना बनाकर दिखाना होगा, मान लीजिए कि मालिक है तो फूल का कटिंग करके दिखाना होगा, फूल को लगाकर दिखाना होगा, कैसे करेंगे काम उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया है। अब पूछेंगे आप लोग कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन किस तरह करेगा, तो क्वेश्चन इसमें मेनली नॉन टेक्निकल रहेंगे, मैथ रीजनिंग के ही क्वेश्चन रहेंगे, जीके और करंट अफेयर रहेंगे, दिया नहीं है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली यही होता है, बहुत बेसिक लेवल का होता है। फॉर्म का लास्ट डेट 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त से पहले फॉर्म को भरना होगा। दूसरा चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका जो वेबसाइट है, मैं खोलने का प्रयास किया लेकिन वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो जैसे वर्क करना शुरू होगा आईटी इंस्टीट्यूट जो चैनल है इस चैनल पर वीडियो आ जाएंगे फॉर्म भरने के बारे में, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और 1 अगस्त से याद रखेगा 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है इजीवे कोचिंग में, अगर आईटीआई के बाद नौकरी चाहते हैं तो इस कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।